चिकोडी पट्टणद टाइगर स्पोर्ट्स क्लब आश्रयदल्लि आयोजिसलाद हाफ पिच क्रिकेट पंद्यावळियल्लि 1 लक्ष रूपायि बहुमान पडेद रजा 11 तंड चिक्कोडी पट्टणद टाइगर स्पोर्ट्स क्लब आश्रयदल्लि आयोजिसलाद हाफ पिच क्रिकेट पंद्यावळियल्लि 1 लक्ष रूपायि बहुमान पडेद रजा 11 तंड चिक्कोडी पट्टणद जारीगल्लियल्लि आयोजिसलाद निगदित ओवर्गळ टेनिस बॉल पंद्यावळियल्लि अंतिम पंद्यदल्लि सुफान तंडवन्नु 4 रन्गळिंद सोलिसि रजा 11 तंड नगदु 1 लक्ष रूपायि हागू ट्रोफि तन्नदागिसिकोंडितु। प्रारंभदल्लि चिक्कोडी पुरसभा सदस्य अधम गणेशवाडी टॉस माडुवुदर मूलक अंतिम पंद्यक्के चालने नीडिदरु। ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ರಜಾ ತಂಡವು ನಿಗದಿತ 6 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 41 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು। ನಂತರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಸುಫಾನ್ ತಂಡ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ದ ಕೊನೆಯ ಸೆಳೆತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 37 ರನ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು। ಪುರಸಭೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಜು ಕೌಟ್ಗಿಮಠ್ ಹಾಗೂ ಬಾಬು ಮಿರ್ಜೆ, ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಕ್ರಮ ಅರ್ಕಾಟೆ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಳಿಂಗೆ, ವಿನಾಯಕ್ ತಂಗಡಿ ಮುಂತಾದವರು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು। ವಿಜೇತ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಗದು 1 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಟ್ರೋಫಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ ಟ್ರೋಫಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು। ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕರಾಗಿ ಅಲಿಫ್ ಕಲೆಗಾರ್, ಇರ್ಫಾನ್ ಕರ್ಗೋಳಿ, ಜಾವಿದ್ ಜಾರಿ, ಮುಬಾರಕ್ ಭಾಗವಾನ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು। ತಂಡದ ಯಶಸ್ವಿಗಾಗಿ ಟೈಗರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಯುವಕರಾದ ವಾಬಾಜಾನ್ ಶೇಖ್, ಸೋಯಲ್ ಶೇಖ್, ಸೋಯಲ್ ರಂಜಾನ್, ಅಲ್ತಾಫ್ ಭಾಗವಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಟೈಗರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು। चिकोटी शहर के अंदर सबसे पहली मरतबा जो है कि ना एक गांधी मार्केट चिकोटी में 1 लाख रुपए का मिनी टूर्नामेंट रखा गया है, डे नाइट का। बहुत अच्छा जो है कि टूर्नामेंट यहाँ पर हुआ और ये रखने वाले जो हैं ये टाइगर सीसी है, टाइगर क्रिकेट क्लब जारीगली चिकोटी। और यहाँ पर जो है कि ना इस वक्त में हमारे गाँव में ये जो टूर्नामेंट रखा गया है ये इसलिए रखा गया है कि हम चाहते हैं कि जो है कि ना हम सब जो है कि ना यहाँ पर मिलनसारी के साथ में रहने वाले बने। और यहाँ पर बहुत सारी जो है कि ना टीमें यहाँ पर मौजूद हुए, बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ। और यहाँ पर जो है हमारे बेलगाम के और बेलगाम, आजरा, पूना और जो है गोवा, इचलकरंजी, रायबाग और कोल्हापुर और बहुत सारी जो है कि ना जगह जगह से हमारे लोकल टीम चिकोटी की भी बहुत सारी टीम यहाँ पर मौजूद हुए और यहाँ पर इनका आना हुआ। बहुत अच्छा जो है कि ना यहाँ पर टूर्नामेंट हुआ और यहाँ पर पूरे जो है कि ना दर्शकों का हमें साथ मिला। पूरे चिकोटी के हिंदू मुस्लिम भाइयों ने मिलकर इस टूर्नामेंट को कामयाब किया है। खासकर जो है कि नहीं मैं खासकर पुलिस डिपार्टमेंट वालों का भी जो है कि नहीं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने भी हमें सपोर्ट किया है। और हमारे यहाँ के जिम्मेदार हजरात हैं, बहुत सारे हिंदू मुस्लिम जो हमारे जो लीडर्स लोग हैं वो जो है कि ना टीएमसी के मेंबर्स हैं और चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, बहुत सारे जो है कि ना हमारे लीडर्स भी जो है कि ना इस टूर्नामेंट के अंदर हमें साथ दिया हुआ है। और इस टूर्नामेंट को जो है ना कामयाब करने के अंदर कामयाब होने के लिए सारों का साथ है। और सबसे ज़्यादा जो है कि ना यहाँ पर जितनी पब्लिक यहाँ पर जो जमी हुई है ये चिकोटी शहर में पहली मरतबा इतनी पब्लिक जमी हुई है। इसके पहले बहुत सारे टूर्नामेंट हुए हैं लेकिन इतना बड़ा टूर्नामेंट नहीं हुआ, इसलिए जो है कि नहीं फाइनल मैच आ जाए। आज सारे हजरत से दरख्वास्त है कि इत्मीनान के साथ में टूर्नामेंट को देखने वाले बने, बगैर कोई जो है कि नहीं शोरगुल करें, शोरगुल ना करें, के साथ में इन बच्चों के जो है कि नहीं हमें सारे हजरत मिलकर, ये बहुत सारे नौजवान हैं, हिंदू रहेंदे, मुस्लिम रहेंदे, सब जिन्हें मिलकर हमें जो है कि नहीं इन बच्चों को इनको हौसला बढ़ाना है। और इससे बढ़कर भी जो है टूर्नामेंट और आगे होने वाले हैं। और दरख्वास्त है कि सारे हजरत से दरख्वास्त है कि भी जो है कि नहीं यहाँ पर जितने भी आए हुए हैं इनका सब ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಜನರು ತಂಡೋಪತಂಡವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು। ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಜನರಿಂದ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ತುಂಬಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಾರಿಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಯೋಜಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು। ಪಂದ್ಯದ ಕೆಲ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮೂಲಕ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿತ್ತು। ಸ್ಕೋರ್ ಹೈ 33 ರನ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 3 ವಿಕೆಟ್। मुजफ्फर का जहाँ कहीं भी हो यहाँ पर कमेंट्री, ये जो है सारी दर्शक जो है बहुत ही अच्छी गेम बीट होते हुए यहाँ पर टीम दर्शकों को एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा उम्मीद है। और यहाँ पर खतरा हो सकता है, यहाँ पर हारून बल्लेबाज गेंदबाजी करने के लिए बॉलिंग मार पर तैयार और उनका सामना करेंगे टीपू। बहुत ही यहाँ पर और एक झटका लग चुका है, चौथा झटका। स्कोर है 33 रन 4 विकेट के नुकसान पर, 33 लॉस ऑफ 4 विकेट। हारून बॉलिंग मार्ग पर तैयार, सामना करेंगे टीपू। स्कोर वहीं पर रुका हुआ, पांचवा ओवर चलता हुआ। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करनी है यहाँ पर गेंदबाज को और यहाँ पर बहुत ही अच्छी गेंद फिर से बीट होते हुए
बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल बांध कर रखा हुआ है बल्लेबाज को। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल लाइन और लेंथ के दिशा में सामने है। अच्छी यहाँ पर कट और फिल्टर मौजूद है, खतरा हो सकता है, लेकिन बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट कहूंगा। उधर महीनों में अड़ा लगे लोग स्टेज वाले, और बॉलिंग मार पर तैयार, और यहाँ पर धीमी सी गेंद भारी किनारा लेते हुए बल्ले का, यहाँ पर कोई नुकसान नहीं बल्लेबाज को, कोई रन नहीं। अरुण बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम सोफान के लिए, दोनों टीमें फ्री हुई है यहाँ पर फाइनल मैच में। बढ़िया गेंद, फिर से लीड करते हैं यहाँ पर ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद में स्कोर है 34। सरफराज बॉलिंग मार पर तैयार, उनका सामना करेंगे टीपू जो कि बहुत ही चुस्त और चालाक गेंदबाज है। बहुत ही अच्छा कट यहाँ पर, 4 रन आता हुआ, गेंद जो है यहाँ पर बाहरी के, टीपू तैयार बल्लेबाजी करने के लिए, बॉलिंग मार्क पर है खुद कप्तान सरफराज, सुफान टीम के कप्तान है। यहाँ पर झटका लगता हुआ टीपू के रूप में, बढ़िया सफलता हासिल होती हुई यहाँ पर सुफान टीम को, स्कोर 38 है। अभी 2 गेंदे बाकी है, क्या 2 गेंदे हो चुकी है बड़ी, और यहाँ पर खतरा हो सकता है, यहाँ पर बहुत ही कड़ा सकता है पूर्ण मुकाबला, काटे की टक्कर का चलता हुआ फाइनल का मैच, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर गेंदबाजी, अच्छा शॉट यहाँ पर चलते हैं सीधे फील्डर के हाथों में, खतरा हो सकता है, और यहाँ पर मैदान बचे बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, बिल्कुल इसके मैच के बाद में टाइम आउट नहीं है, आप बाद में जा सकते हैं चाय पीने के लिए, इतने खत्म हो चुके हैं। और यहाँ पर जिस्म को छूती हुई गेंद, खतरा हो सकता है, इस मैच के 4 अंपायर है, इस मैच के आखिरी गेंद है इस इनिंग की, देखना है यहाँ पर रजा 11 का बल्ला बोलता है या खुद तूफान टीम के कप्तान गेंदबाज लेकर गेंद उतरे हैं, देखना है यहाँ पर इनकी गेंद का मैच क्या नजारा उठाते हुए दर्शक मौजूद इस गांधी मार्केट के ग्राउंड पर, बड़ा मैच दर्शकों को देखने को मिलता हुआ, बढ़िया शॉट, और यहाँ पर खतरा हो सकता है, रजा 11 ये जो है कि पहला इनाम लेने के लिए ग्रामीण आ जाए, भाई स्वागत करिए भाई इनका। ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಟೈಗರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಹಾಫ್ ಪಿಚ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ರಜಾ 11 ತಂಡ. ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಜಾರಿಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ನಿಗದಿತ ಓವರ್ಗಳ ಟೆನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಫಾನ್ ತಂಡವನ್ನು 4 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ರಜಾ 11 ತಂಡ ನಗದು 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ ಟ್ರೋಫಿ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಅಧಮ್ ಗಣೇಶ್ವಾಡಿ ಟಾಸ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ರಜಾ ತಂಡವು ನಿಗದಿತ 6 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 41 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ನಂತರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಸುಫಾನ್ ತಂಡ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ದ ಕೊನೆಯ ಸೆಳೆತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 37 ರನ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಪುರಸಭೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಜೀವ್ ಕೌಟ್ಗಿಮಠ್ ಹಾಗೂ ಬಾಬು ಮಿರ್ಜೆ, ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಕ್ರಮ ಅರ್ಕಾಟೆ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಳಿಂಗೆ, ವಿನಾಯಕ್ ತಂಗಡಿ ಮುಂತಾದವರು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ವಿಜೇತ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಗದು 1,00,000 ಹಾಗೂ ಟ್ರೋಫಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ ಟ್ರೋಫಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕರಾಗಿ ಅಲಿಫ್ ಕಲೆಗಾರ್, ಇರ್ಫಾನ್ ಕರ್ಗೋಳಿ, ಜಾವಿದ್ ಜಾರಿ, ಮುಬಾರಕ್ ಭಾಗವಾನ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ತಂಡದ ಯಶಸ್ವಿಗಾಗಿ ಟೈಗರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಯುವಕರಾದ ವಾಬಾಜಾನ್ ಶೇಖ್, ಸೋಯಲ್ ಶೇಖ್, ಸೋಯಲ್ ರಂಜಾನ್, ಅಲ್ತಾಫ್ ಭಾಗವಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಟೈಗರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. बहुत ही अच्छी गेंद, बीट होते हुए यहाँ पर टिप, दर्शकों को एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा उम्मीद है, और यहाँ पर खतरा हो सकता है, और यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं थी। अरुण बल्लेबाज गेंदबाजी करने के लिए बॉलिंग मार्क पर तैयार, और उनका सामना करेंगे टीपू, बहुत ही यहाँ पर और एक झटका लग चुका है, चौथा झटका, स्कोर है 33 रन, 4 विकेट के नुकसान पर, 33 लॉस ऑफ 4 विकेट, अरुण बॉलिंग मार्क पर तैयार, सामना करेंगे टीपू, स्कोर वहीं पर रुका हुआ, 5वां ओवर चलता हुआ, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करनी है यहाँ पर गेंदबाज को, और यहाँ पर बहुत ही अच्छी गेंद, फिर से बीट होते हुए, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल बांध कर रखा हुआ है बल्लेबाज को, क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल लाइन और लेंथ के दिशा में सामने है।
अच्छी यहाँ पर कट और फिल्टर मौजूद है, खतरा हो सकता है, लेकिन बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट का होगा। इसी उधर है महीनों में अड़ान लगे लोग स्टेज वाले और बॉलिंग मार पर तैयार और यहाँ पर धीमी से गेंद भारी किनारा लेते हुए बल्ले का, यहाँ पर कोई नुकसान नहीं, बल्लेबाज को कोई रन नहीं। अरुण बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम सुफान के लिए, दोनों टीमें फ्री हुई है यहाँ पर फाइनल मैच में। बढ़िया गेंद, फिर से लीड कर दिया यहाँ पर ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद में स्कोर है 34। सरफराज बॉलिंग मार पर तैयार, उनका सामना करेंगे टीपू जो कि बहुत ही चुस्त और चालाक गेंदबाज है। बहुत ही अच्छा गेंद यहाँ पर 4 रन आता हुआ, गेंद जो है यहाँ पर बाहरी किनारे, टीपू तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। बॉलिंग मार्ग पर है खुद कप्तान सरफराज, तूफान टीम के कप्तान है। यहाँ पर झटका लगता हुआ टीपू के रूप में, बढ़िया सफलता हासिल होती हुई यहाँ पर सुपर टीम को, स्कोर 38 है। अभी 2 गेंदें बाकी हैं, क्या 2 गेंदें हो चुकी हैं बॉडी, और यहाँ पर खतरा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर यहाँ पर बहुत ही कड़ा टक्कर, सुपूर मुकाबला, काटे की टक्कर का चलता हुआ फाइनल का मैच, 92 बहुत ही बढ़िया यहाँ पर गेंदबाजी, अच्छा शॉट यहाँ पर चलते हैं सीधे फील्डर के हाथों में, खतरा हो सकता है और यहाँ पर बॉल बचे, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। बिल्कुल इसके मैच के बाद में टाइम आउट नहीं है, आप बाद में जा सकते हैं चाय पीने के लिए, इतने खत्म हो चुके हैं। और यहाँ पर जिस्म को छूती हुई गेंद, खतरा हो सकता है इस मैच के, 4 अंपायर है इस मैच के, आखिरी गेंद है इस इनिंग की, देखना है यहाँ पर रजा 11 का बल्ला बोलता है या खुद तूफान टीम के कप्तान गेंदबाज लेकर गेंद उतरे हैं, देखना है यहाँ पर इनकी गेंद का मैच क्या नजारा उठाते हुए दर्शक मौजूद इस गांधी मार्केट के ग्राउंड पर, बड़ा मैच दर्शकों को देखने को मिलता हुआ, बढ़िया शॉट और यहाँ पर खतरा हो सकता है, भाई रजा 11 ये जो है कि पहला इनाम लेने के लिए एक राजू मिल आ जाए भाई, स्वागत करिए भाई इनका। मैच जो होता है वो आकस्मिक रहता है, शायद वो निश्चित, मौत जो है वो गारंटी है, उसके बीच में हम सब लोगों के बीच में एक रिलेशन आता है, बाबा अम्मी भाई बहन चाचा फुप्पू, उन सब में एक और रिलेशन आता है, वो कहलाता है दोस्ती भाईचारा। और ये जो क्रिकेट जो है भाईचारा दोस्ती का दूसरा नाम क्रिकेट है, हमारे इंडिया में तो यही है और हम सब इसको कायम रखेंगे। ये कहते हुए आज का जो पहला इनाम है रजा 11 टीम, रजा 11 क्या रजा नाम रजा।